हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। उन्नाव से आ रही इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उन्नाव में घने कोहरे का कहर देखने को मिला। यहां पर एक तेज रफ्तार मोरंग लदा डंपर मंगलवार सुबह पेड़ से टकराकर खंती में पलट गया। हादसा इतनी जोरदार था कि डंपर के ऊपर पेड़ आ गिरा, इससे डंपर का अगला हिस्सा पूरी तरह से पिचक गया, जिससे डंपर में सवार डंपर चालक और परिचालक केबिन के अंदर फंस कर रह गए। हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से पेड़ को हटाया। इसके बाद कटर से डंपर के केबिन को काटा और दोनों को बाहर निकाला। इसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आज दिनांक 28 नवंबर 2023 को थाना हसनगंज क्षेत्र अंतर्गत बांगरमो मोहान मार्ग पर महुआ तिराहे के पास मोरंग से लदा एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खड़े बबूल के पेड़ से टकरा कर पलट गया, जिससे डंपर में मौजूद ड्राइवर व क्लीनर दोनों के केबिन में फंसे रह जाने से मौके पर ही मृत्यु हो गई। थाना हसनगंज पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर मृतक शवों को बाहर निकालकर उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। मिल रही जानकारी के मुताबिक कानपुर देहात के थाना भोगनीपुर के रहने वाले डंपर चालक 28 साल का बलदाव यादव, साथ ही परिचालक 27 साल के रामू के साथ डंपर में मोरंग लादकर हसनगंज से मियागंज की ओर जा रहे थे। कोहरा ज्यादा होने की वजह से हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के मोहान मियागंज मार्ग पर सैरपुर गांव के पास बलदाव को सड़क किनारे स्थित बड़ा सा पेड़ नहीं दिखा और उनका डंपर सीधे पेड़ से जा टकराया। इसके बाद डंपर खंती में पलट गया। टक्कर इतनी भीषण थी, इसका अंदाजा आप डंपर के अगले हिस्से को देखकर लगा सकते हैं। टक्कर लगने से पेड़ डंपर के ऊपर आ गिरा, जिससे चालक और परिचालक डंपर के केबिन में फंस गए। वहीं आसपास मौजूद लोगों ने इस हादसे की सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे हसनगंज कोतवाली प्रभारी राजेश्वर त्रिपाठी ने क्रेन मंगवाकर करीब 3 घंटे की मशक्कत के बाद डंपर के ऊपर से पेड़ को हटाया। इसके बाद केबिन को कटर से काटकर अंदर फंसे दोनों चालक और परिचालक को बाहर निकाला गया। एम्बुलेंस की मदद से दोनों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों के शवों कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं हादसे के बाद हसनगंज से बांगरमऊ की ओर जाने वाले रास्ते में काफी लंबा जाम लग गया, जिसके बाद पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद जाम खुलवाया। वहीं इस हादसे की सूचना मृतकों के परिजनों को दे दी गई है। कहां से गाड़ी आ रही थी, क्या कहां रही थी? अच्छा, जो जिस गाड़ी से टकराई उसका गाड़ी टकराई अनियंत्रित होके मृतक का नाम, जो लोग खत्म हुए दो लोग, क्या नाम है? एक